दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय बजर पेंट शोरूम जोगिंदरनगर। जोगिंदरनगर उपमंडल के लोअर चौंतड़ा निवासी 37 वर्षीय राजेश कुमार के लिए मुर्गी पालन स्वरोजगार का मजबूत आधार बना है। मुर्गी पालन से वे न केवल अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि प्रतिमाह औसतन 25 से 30,000 रुपए की आय भी अर्जित कर पा रहे हैं। वर्तमान में राजेश कुमार के लिए पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन विभाग की हिम कुकुट योजना की 3,000 ब्रॉयलर चूजा योजना न केवल मददगार साबित हो चुकी है, बल्कि मुर्गी पालन आज उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं राजेश कुमार ने बताया, वे 10 वर्षों तक दिल्ली में ड्राइविंग का काम कर रहे थे और अब मुर्गी पालन को अपना स्वरोजगार के रूप में उन्होंने चुना है। वर्जुअल पेंट जो कम लगे और ज्यादा जगह को घेरे, मतलब कम खर्चे में ज्यादा पेंट, घर की दीवारें बनेंगी रंगीन, ना होगी कोई सीलन की शिकायत, ना बारिश और धूप से कोई खतरा। जोगिंदर नगर के पठानकोट चौक के साथ खुले केआर सन्स के इस शोरूम में वर्जुअल पेंट की पूरी वैरायटी उपलब्ध है। इसमें डंप प्रूफ, रूफ प्रूफिंग, रस्ट प्रूफ सहित टेक्सचर पेंट्स की सभी वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा केआर सन्स में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट भी थोक रेट पर उपलब्ध करवाया जाता है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमें संपर्क करें 9418200472 पर। मेरा नाम राजेश कुमार है और गांव लोर चौंतड़ा का रहने वाला निवासी हूं। और इस पोल्ट्री को कार्य को मैंने सन 2014 से शुरू किया था जी। और इसके बीच में मैंने ट्रेनिंगें भी की, पहले तो चौंतड़ा गवर्नमेंट फार्म से की, उसके बाद सेंटर पोल्ट्री चंडीगढ़ से की। और जो है इसके लिए नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट भी 2 दिसंबर 2022 में मेरे को दिया गया, जो कि डॉक्टर रंजना कुमारी जी 6 लोगों को सेंटर पोल्ट्री की तरफ ले गए थे हमने नेशनल सेमिनार में, जिसको हमने अटेंड किया। और उसके बाद काम को हमने सन 2014 से लेके 23 तक जारी रखा और आगे जारी ही रहेगा ये काम। इसके साथ साथ सन 2018 से 23 के बीच में डेयरी का कार्य किया, जिसका पूरा अमाउंट है 14 लाख का कार्य पूरा मैंने किया। उसमें 3 लाख का मेरे कोऑपरेटिव बैंक से लोनिंग थी पहले, उसको फाइनल करके 87,000 का मेरे को मतलब सब्सिडी मिली, जो मैंने पोल्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी। और बाकी जो है इसके साथ साथ और भी मतलब जैसे पोली उसका कार्य है, और बाकी और भी पोल्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो एक की थी मैंने इन कुप्पी परियोजना के तहत सन 2023 में ही मतलब इस स्कीम का मैं फायदा उठाया। मतलब जो स्कीम है 40-60 की है, इसमें 40% जो है अपना पे आउट करना पड़ता है गवर्नमेंट को और 60% वो सब्सिडी के अंदर डिवाइड करते हैं। ये है 6,80,000 की स्कीम है सारी टोटल, इसमें 2,70,000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है एक साल के अंदर। ये 3,000 ब्रायलर की स्कीम है। एवरेज जैसे मतलब स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्केल कितना डाल रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि मैं 2,000 का बैच पालता हूँ, तो 2,000 का मतलब 50,000 तो 40 दिन का आना ही है, और जैसे 1,000 के डालते हैं तो 25,000 इनकम आती है इससे। और मोर्टैलिटी भी कई बार मतलब बीमारी भी आ जाती है तो वो भी देखनी पड़ती है सारी। इसकी मतलब मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए पोल्ट्री की तभी ये, और मार्केटिंग का मेन होता है इसमें। ये तो मेरी यहाँ लोकल एरिया में ही खपत हो जाती है, इसकी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना माल तैयार करते हैं हमने ऑर्डर में माल तैयार करते हैं और ऑर्डर में चला जाता है सारा। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब जैसे 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो अब जैसे मान लो कि एक तो सोच होनी चाहिए अपनी पहले की, मतलब हमने बिजनेस करना है या नौकरी करनी है। बिजनेस करेंगे तो फिर उसको बढ़ावा दो, कदम आगे की ओर होनी चाहिए ना कि पीछे की ओर होनी चाहिए। अब मैंने भी शुरू में किया 50 मुर्गियों से शुरू किया था, छोटे से लेवल में किया था। अब जो है हम हजारों में काम करते हैं, उसमें बेनिफिट काफ़ी है हमारा। तो अभी मतलब 4 महीने में हमने पूरा 2.5 लाख का मतलब सेल आउट किया, तो इसमें खर्चा बैठ गया 1,80,000 का, बाकी प्रॉफिट ही है। नुकसान भी झेल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब फ़ायदा नुकसान तो बिजनेस में चलता रहता है। ठीक है। मैं डॉक्टर मुनीश चंद्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी पशु चिकित्सालय चौंतड़ा, मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। हमारे जो चौंतड़ा हॉस्पिटल है उसके अधीन एक लाभार्थी हैं जिनका नाम राजेश कुमार है। उनको हमने जो पशुपालन विभाग है उसकी तरफ से एक हिम कुक्कुट पालन योजना के नाम से एक स्कीम दी है, जो कि 2022-23 के जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है
उसमें दी थी। तो जो राजेश कुमार जी हैं उन्होंने हमारा जो पोल्ट्री फार्म जो गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म चौंतड़ा है वहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इस स्कीम के तहत वो काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। ये जो हिम कुक्कुट पालन योजना है ये पशुपालन विभाग की एक स्कीम है जिसमें 60% जो है वो अनुदान जो है वो सरकार देती है, पशुपालन विभाग देता है, और 40% जो लाभार्थी को अपनी तरफ से उसमें अदा करना पड़ता है। जो हिम कुक्कुट पालन योजना है इसमें 3000 चूजों के लिए ये स्कीम है और उसके लिए सबसे पहले जो लाभार्थी है उसको हमारे पशु चिकित्सा संस्थान में अप्लाई करना पड़ता है और इस स्कीम के तहत जो है वो जैसे लगभग 1000 स्क्वेयर फीट का जो शेड उसके लिए चूजों के लिए बनता है और 200 स्क्वेयर फीट का जो शेड है वो स्टोर के लिए बनता है और जो शेड है वो उस जो लाभार्थी है उनको पहले बनाना पड़ता है और PWD से उसका एस्टिमेट बना के उसका कंप्लीशन करके फिर हमारे पास आके वो जमा करना होता है। फिर बाद में जो सब्सिडी है जो 60% सब्सिडी 60% जो अनुदान है वो उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से आ जाता है और जो जो ये चूजे हैं ये हजार हजार के लॉट में 3 बार इनको जो लाभार्थी उनको मिलते हैं 2 या 3 महीने के अंतराल में, तो 40 दिन के लिए उनको पालने होते हैं। पालने के लिए जो फीड है वो भी सरकार के द्वारा 60% अनुदान में दी जाती है। जो दवाइयों का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, उसके बिल भी सरकार के द्वारा उसमें मिल जाते हैं, जो उसका वापस पैसे मिल जाते हैं। तो ये विभाग की बहुत अच्छी स्कीम है। इस जो हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है इसके तहत भी 2 केसेज जो हैं वो सब डिवीज़न जोगिंदरनगर के लिए आए हुए हैं, तो उसके लिए भी जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। वर्जुअल पेंट जो कम लगे और ज्यादा जगह को घेरे, मतलब कम खर्चे में ज्यादा पेंट, घर की दीवारें बनेंगी रंगीन, ना होगी कोई सीलन की शिकायत, ना बारिश और धूप से कोई खतरा। जोगिंदर नगर के पठानकोट चौक के साथ खुले KR सन्स के इस शोरूम में वर्जुअल पेंट की पूरी वैरायटी उपलब्ध है। इसमें डंप प्रूफ, रूफ प्रूफिंग, रस्ट प्रूफ सहित टेक्सचर पेंट्स की सभी वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा KR सन्स में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट भी थोक रेट पर उपलब्ध करवाया जाता है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमें संपर्क करें 94182-00472 पर।